हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज है इंडिपेंडेंस डे, सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और काफ़ी मतलब अच्छा दिन है, छुट्टी है आज मेरी, क्योंकि जिस दिन तो होनी चाहिए ना, वैसे तो करते नहीं है वो, पर दे दी, अच्छी बात है। अच्छा, हमारे पड़ोस में किसी ने मतलब नवे वो न्यू आए हैं, शिफ्ट हुए हैं, तो उनके घर कीर्तन है, तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ और उनका कुछ मतलब ओपनिंग है घर की खाने पीने का उन्होंने रख रखा है, तो वहीं जा रहा हूँ और अभी मतलब मजे आएंगे। और आज का काफ़ी अच्छे प्लान है मेरे पास, छुट्टी है तो घर बैठ के क्या करेंगे, ताला लगा रहा था इसलिए ऐसे मुंह बन गया, ठीक है, तो घर बैठ के भी क्या करेंगे, इसीलिए बथेरा कुछ सोच रखा है मैंने आज के लिए। इंडिपेंडेंस डे है ना, तो कुछ बढ़िया सा करेंगे, ठीक है, पिछली बार तो कुछ नहीं किया था, इस बार अच्छी तरह करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हो रखा है ये, तो गाइस यहाँ पे खाना पीना चल रहा है और मैंने भी ले चुका हूँ, मेरे साथ एडर भी है, यो कैसे भैंसों की तरह खा रहा है। तो गाइस अभी हम केक की दुकान पर आए हैं और एक केक देखा हमने, केक देखा भाई साहब, ये पता किसी बच्चे का होगा ना, केक बच्चे के लिए होगा ना, ये केक देखो कितने अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे, केक है इधर है। अभी हम बैलून ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं तुम्हें बस जल्दी पता चल जाएगा, किटकैट ब्रेक। तो गाइस अभी हमने कॉस्टिक सोडा और बैलून ले लिए हैं, क्यों, क्योंकि हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं घर जाके, अभी एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जो इंडिपेंडेंस डे के लिए होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा अभी पता चल जाएगा तुम्हें घर जा रहे। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं घर पर और हमने आपको इनके रंग से पता ही चल गया होगा, एक्चुअली आज 15 अगस्त है ना, तो उसके लिए हमने बलून्स लेके आए हैं, ऑरेंज, वाइट और ग्रीन, ठीक है। हम करेंगे क्या, हमारा एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किस चीज़ के ऊपर है कि ये देखिए मैं लाया हूँ ये NOH पैलेट्स, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स, या फिर कॉस्टिक सोडा इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये करता क्या है कि अगर हम इसको पानी के अंदर डालेंगे और इसके अंदर एल्यूमिनियम मिक्स करेंगे, मतलब सॉल्यूशन के अंदर, तो जो गैस जनरेट होगी वो हाइड्रोजन गैस जनरेट होगी, इसका मतलब, और हाइड्रोजन गैस आपको पता ही है कि ऑक्सीजन से हल्की होती है, तो वो हवा में उड़ेगा बलून, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इससे हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, इसके अंदर इकट्ठा करेंगे और उनको उड़ाएंगे, तो मतलब एक तरह से तिरंगा बनाएंगे, ठीक है। तो बनाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं बनता है कि नहीं, वैसे हमने पहले भी एक्सपेरिमेंट किया है तो पिछली बार तो सक्सेसफुल हो गया था, और एक बैलून हम वैसे बुलाएंगे फोड़ने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन काफ़ी फ्लेमेबल होती है, तो काफ़ी पटाखे की तरह आवाज आएगी पूरी, तो हम एक वो भी दिखाएंगे और झंडा भी बनाएंगे और उसको हवा में उड़ाएंगे। तो गाइज हम अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो करेंगे कैसे, इसमें ओल्ड मॉन्की बोतल के अंदर, और ये आई कहाँ से, ऑब्वियसली तो यूज करता है, कंज्यूम करता है, यू आर अ बैड बिच, ये मेरे से मत पूछना कि कहाँ से आई, बस आ गई, ठीक है। नहीं, मैं बता सकता हूँ, इसके किसी रिलेटिव के घर गया, बस अजील। सो गाइज अभी ना हमारे दिमाग में एक बात आई है कि जो ये कांच है, कोई ये दूसरा मतलब वो लैब में जो यूज़ होता है बोरोसिलिकेट ग्लास, वो तो नहीं है, यो तो ये जो ये क्या बोलते हैं इसको, जो अभी हम करें एक्सपेरिमेंट, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, जो नहीं है उनको बता देता हूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और इसमें ना एमिनम की साउंड लगा दूंगा मैं तो ये बहुत ज़्यादा हीट ज़्यादा इसमें प्रोड्यूस हो जाएगी, इसीलिए हमें वाओ क्या कर रहा है हाँ तो गाइस अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम ना इसके आसपास इसको इस पूरी बोतल को ऐसी भाई रुक जा,
इस तो अभी हम इस बोतल टेप देना हट तो इस बोतल को अभी हम पूरी टेप से रैप कर देंगे। क्यों मेरा इतना मन है ना ये तेरे पीठ पे मारने का, मजा आ जाएगा कसम से। कुछ भी गाइस कुछ भी। तो अभी हम इस टेप से इसको पूरी तरह रैप करेंगे ताकि अगर ये टूटे या फिर भूम करके फट भी जाए हाँ ऐसे तो ये मतलब इसका कांच बिखरे ना, इसलिए हम इसको पूरी तरह टेप से रैप कर देंगे। हट नहीं भाई ऐसे मत कर। अरे एक काम करती बड़ी बेकार तरीके से लपेटी है, ऊपर कौन लपेटेगा? खुद इसने किया नहीं बल्कि मैंने किया और बाकी मेरी बेइज्जती कर रहा है ये। रहने दे मत कर अब टेप वेस्ट होएगी ना। कोई बात नहीं। सो गाइस इसमें से ना अभी भी ना थोड़ा रम की मतलब वो आ रही है स्मेल, तो इसको हम थोड़ा धोएंगे क्योंकि पहले ही थोड़ा एंडोथर्म एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कहीं और ब्लास्ट हो जाइए। बस ट्रक 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 नहीं लगाते हैं फॉइल पेपर कैसे लगाया घेरेगा इसी से जाएगा यार, उसको बत्ती बना के घेर दियो बत्ती बना के घेर दियो इसमें। तो गाइस अभी हम क्या करेंगे कि इस डंडे को इसके ऊपर फिक्स कर देंगे ताकि इसमें जो भी गैस बनेगी वो ऊपर आ जाएगी ठीक है, और इसमें इस पेपर का हम फनल बनाएंगे ताकि हम उस फनल के थ्रू सब कुछ डाल सके। समझ आ गई? सो गाइस हमने इसमें पानी भर लिया है, डंडा भी हमारा रेडी है, इसको हम इसके ऊपर फिक्स करते हैं। पानी देखो इतना भरा है हमने। चल तो अनमोल उठ करके दिखाने वाला है, देखो सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इस पर डंडा चिपका दिया है और अच्छी तरह सील भी कर दिया है ताकि कुछ गैस लीक ना हो ठीक है, और फॉइल पेपर भी रेडी है। तो हम सबसे पहले इसमें फॉइल पेपर ही डाल देंगे क्योंकि हम जैसे ही इसमें कॉस्टिक सोडा डालेंगे एक्सपेरिमेंट तुरंत से स्टार्ट हो जाएगा, तो वो बाद में डालेंगे। ट्राई दिस एट होम बट विद सेफ्टी, हमारी जैसे मत करना कोई जरूरत नहीं। तो गाइस ऐसे हमने बत्तियां बना वो अलग है ये अलग है। तो हमने इसकी एल्यूमिनियम की बत्तियां बना ली है और अभी हम इसको डालेंगे इसके अंदर। ये ये गई ठीक है, हम तो थोड़े 5-10 करके बना के डालते हैं इतना। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमने फनल बना ली है देखो ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे इसको हम ऐसे डाल देंगे और इसके थ्रू हम कॉस्टिक सोडा डाल देंगे इसके अंदर ठीक है। और कॉस्टिक सोडा बहुत इजीली मिल जाता है किसी भी परचून की दुकान से या किराने की दुकान से, मतलब जो जनरल स्टोर होता है जहाँ से सिंपल खाने पीने का सामान लेते हो वहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको ये करना है तो आप भी कर सकते हो, कुछ नहीं करना, पानी के अंदर कॉस्टिक सोडा डालना है और एल्यूमिनियम फॉइल डालना और मालूम है चल आपको क्या बोलते हैं वो गोइंग ऑन। तो गाइस ये कुछ ऐसा होता है देखने में, देख लो कॉस्टिक सोडा ठीक है। तो अभी हम इसको डालेंगे, बलून तो रेडी रख, पॉज कर दे वीडियो, पॉज कर क्रॉप कर लियो बोट। चल सबसे पहले हम ऑरेंज कलर का बलून ले रहे हैं, आपको भी ऑरेंज कलर का बलून ही लेना है क्योंकि उसके बिना ये एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। व्हाइट और ग्रीन दोनों लेने हैं। वाओ कुछ तो कुछ भी बोलेगा और जनता मान लेगी। तो गाइस अभी हम इसको डालते हैं। अरे इतना वो होता है भाई पॉपट हो गया। नहीं नहीं जा रहा भाई जा ही नहीं रहा ये। गाइस फनल हमारा आइडिया बेकार हो चुका है, हम इसको ऐसे डालेंगे। अच्छी खासी क्वांटिटी में जा चुका है और अब जल्द से जल्द वैसे इस पे हार करने का फायदा क्या हुआ, बलून तो हमें वैसे ही फुलाने पड़ेंगे ना। तो गाइस थोड़ा मतलब एक्सपेरिमेंट इसको होने में टाइम लगता है थोड़ा सा, अगर
पानी का टेम्परेचर गर्म होना स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब एक्सपेरिमेंट बन हो गया स्टार्ट। और हाँ, ये गर्म होना स्टार्ट हो चुका है। हेयर अभी हम इसको बैलून लेंगे, अभी तो हल्के से वेपर नहीं निकलते। सुन के देखियो। नहीं तो इसको अभी हम क्या करेंगे, बलून को लेंगे और इसमें गाइस अब है मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अगर ये बैलून फूला तो लाइक चाहिए मेरे को इस वीडियो पे, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना चैनल। सो गाइस हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फूल चुका है और धीरे धीरे और फूल रहा है और बड़ा होगा अभी ये, ठीक है। और गैस बननी स्टार्ट हो चुकी है। जब ये पूरा अच्छी तरह फूल जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आप खुद देखना ये थोड़ा साइज में बड़ा हो जाएगा और इसको हम आपको उड़ा के दिखाएंगे, हवा में उड़ेगा ये। सो गाइज उसमें ना हमारा एक्सपेरिमेंट थोड़ा फेल सा हो गया, क्योंकि ना वो लीक प्रूफ नहीं थी, उसमें से गैस बार बार लीक हो जा रही थी। तो अभी हमारे पास ये एक फनल है, तो हम इस फनल के अंदर करेंगे। हाँ तो ये तो बोरोसिलिकेट ग्लास है, देखो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, जितना मर्जी गर्म हो जाए ये टूटेगा नहीं, पता नहीं टूट भी सकता, मतलब पता नहीं है। तो गाइज अभी हम इसके अंदर स्टार्ट करेंगे, तो हम जैसे ये छोटा है, मोटा है, बढ़िया है, ठीक है। अभी हम इसके अंदर पानी डालेंगे दोबारा से सेम प्रोसीजर। फॉइल पेपर आ चुका है, पानी है और थोड़ा सा और बचा हुआ है हमारे पास, तो इसके अंदर काम करते हैं। सो गाइज हमने देखो 50 ml पानी इसमें हम ले चुके हैं और अभी हम इसमें एल्यूमिनियम ला भाई। तो अब हम इसमें एल्यूमिनियम फॉइल डालेंगे, पूरे को हम दो पार्ट में डिवाइड, चार पांच पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसको हम थोड़ा ऐसे ऐसे करके डाल देंगे, ठीक है। और है क्या पानी ना, वो एल्यूमिनियम दियो थोड़ा सा। अरे क्या पता कम पड़ जाए, क्योंकि मेन चीज यही गैस निकालेगा, ये बहुत गैस करता है, डाले क्या सारा रिकॉर्ड हो रहा है। गाइस हमने इसमें डाल दिया है ये, और अब हम इसमें कॉस्टिक सोडा डालेंगे। ये तो अपनी मर्जी से डाल लो बस, थोड़ा ताकि एनफ हो जाए बस, आई थिंक काफ़ी है इतना। और ये रिएक्शन होना स्टार्ट हो चुका है गाइस, और हम इसको थोड़ा शेक करेंगे अच्छी तरह से, मिल्की मिल्की फ्लेवर आ चुका है और गर्म होना भी स्टार्ट हो चुका है गाइस। और जैसे ही गैस बननी स्टार्ट होगी मैं फटाफट इसके ऊपर बैलून लगा दूंगा, ठीक है, मेरे को दिखाना। तो गाइस गैस बननी स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा पहले वेपर निकलता है, इसको हमें स्टीम कर दे। गैस निकल रही है, गर्म होने लगेगा, ग्लव भी पहना है ना, तब भी बहुत गर्म लगेगा। गाइस गैस बननी स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले थोड़ा थोड़ा वेपर निकलता है, इसलिए हम इसको थोड़ा बंद कर देंगे। Yeah, guys, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा बैलून फूलना स्टार्ट हो चुका है। ओह yeah, baby. वो सारे पैलेट उठा हुआ थे। They are like explosive. Guys, उसको उधर दिखा रहा है। आपको भी दिखा रहा है। भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, अनमोल, अनमोल, अनमोल कपड़ा दे, जल्दी। ओ भाई, ओ पागल हो रहा है। ओ भाई, हम गाइस पीछे हो जाते हैं। भाई इसको लेके कौन आएगा? धीरे धीरे पीछे आ जाओ। साइंस बिच। मैंने फाइल तो निकाल दिया आपने। गरम है? ये नहीं होगा गरम यार। हाँ है। नहीं है वो, ऐसी ऐसी होगा।
ज़्यादा नहीं है वो, उसको उसके पास हाथ करके देख, टच भी ना करियो चाहे। इसका हाल देखो भाई, फेल हो गया भाई, फेल हो गया बोल। तो ज़्यादा भारी है वो, रुक जा दिखाइए अपनी ऑडियंस को, दिखा अपनी ऑडियंस को फेलियर। सो गाइज, हमने गैस तो ट्रैप करी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें थोड़ा वाटर वेपर भी आ गया, इसीलिए अरे नहीं, इसमें पानी है, देख वो हंस रहा है तेरे ऊपर। हम दोबारा, तो गाइज अभी हम इस बैलून को फोड़ने की कोशिश करेंगे, कैसे कि हमने इसको डंडे के आगे बांध दिया और वहाँ वो मोमबत्ती जलाएगा, बट मतलब ये इतना ज़्यादा चिंदी है कि इसको मैंने माचिस के लिए बोला, इसने बोला नहीं मैं लेंस के थ्रू, हाँ हाँ आ धूप रोक दे, रोक दे रोक दे धूप बढ़िया। हाँ, हम इसको लेंस के थ्रू, लेंस में दिखाता हूँ मैं आपको। ओ भैया ठीक है, तो हम ये कन्वेक्स लेंस है, इससे क्या होगा, जितनी किरणें हैं वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा वो हो जाएगी तीखी जी, और इसको जलाने की कोशिश कर रहा है। मतलब गाइस मैं क्या बोलूँ इस बंदे के बारे में, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो गाइस अभी हम हाइड्रोजन वाला बलून इसमें फोड़ेंगे। यार ओ भगवान, ओ भाई भाई कितना बड़ा बोट है ये, गुब्बारा है ये, तो जलाना आना चाहिए वो, ऐसे ऐसे हिलेगा तो क्या, इससे क्या आएगा गाइस, इसमें हाइड्रोजन है यार, बढ़ने दो, बूम चल ब्लास्ट होगा यार, कहां कहां नहीं जाएगा, नहीं नहीं चुप चुप, अबे क्या कर रहा है, इसको ऊपर लगाना यार, वो छोटी आ गया तो मैं और क्या करूं, अब तेरी 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 ट्राई खत्म होगी भाई, बड़ी आग लगाओ, सुई नहीं मारनी ना, ऊपर लगा के रखियो उसके, अभी भी आग बुझा दी, हाइड्रोजन थी, लेकिन वो बैठा कि उसके पीछे रीजन बताया यार कि वो उड़ा क्यों नहीं, वाटर वेपर की वजह से उसका वेट बढ़ गया, उसमें वाटर वेपर आ गए क्योंकि पहले वाटर वेपर निकलते हैं, इसकी वजह से उसका वेट बढ़ गया, लेकिन अगर हमें प्योर हाइड्रोजन चाहिए तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और ये देखो, ये जला हुआ जितना भी रेजिड्यू था उसका, एल्यूमिनियम का सारा ऊपर तैर रहा है। तो गाइस हम इस एक्सपेरिमेंट को अभी हम दोबारा करेंगे एक बार, अगर इस बार अच्छा हो गया तो लाइक कर देना। सो गाइस हमने दूसरा बलून फुला लिया है, लेकिन ये भी फेल है, ये उड़ नहीं रहा है, क्योंकि यार ध्यान से देखो, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो इसमें वाटर वेपर्स हैं यार, मतलब कि पानी, तो यार इसकी वजह से इसका वेट ज़्यादा है, मतलब हाइड्रोजन है इसके अंदर, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है इसके अंदर, हम आपको फोड़ के भी दिखा सकते हैं, भूम करके आ जाएगी, लेकिन इसमें पानी, हाँ इसमें पानी है ना, इसकी वजह से इसका वेट ज़्यादा, इसलिए उड़ नहीं रहा। फिर पिछली बार हमने एक बार बलून बनाया था, वो पता नहीं कैसे सही हो गया था, वो उड़ रहा था लिटरली। तो इसको हम फोड़ेंगे दोबारा से और बूम करके आवाज़ आएगी, मज़ा आएगा। तू फोड़ना चाहेगा क्या? दो मिनट कर लिया। भाई साहब तुमने देखा, ओ भाई मजा आ गया, मीठी खुशबू नहीं आती है। हमारा एक्सपेरिमेंट थोड़ा फेल सा हो गया, कोई भी बलून उड़ा नहीं है, हमने दो बना के देखे दोनों उड़े नहीं, पर कोई बात नहीं, हम सिंपल फुला के डंडे पर लगा के एक बार झंडे जैसा बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करें यार, उसमें बार बार वो वाटर वेपर आ जा रहा था, तो हम उसको कैसे अलग करें समझ नहीं आ रहा था, बट कोई बात नहीं, ट्राई तो किया, एटलीस्ट हमने ट्राई तो किया, बट नहीं हुआ कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट फेल होते हैं, जरूर जरूर सारे एक्सपेरिमेंट पास होते हैं।
हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। तो हमने ये बनाया है तिरंगा, जितनी हमारी क्रिएटिविटी थी उस हिसाब से हमने बना दिया। बट अगर अच्छा लग रहा है तो आप बताओ। बस बीच में अशोक चक्र बनाना भूल गए, वो एक्चुअली हमारे पास मार्कर है नहीं था यार, बट ऐसे भी अच्छा बहुत प्यारा लग रहा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए इन भारत के नाम पे, ठीक है। आपको जल्द ही मिलता हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, सायोनारा, ओवर एंड आउट।